लोग आए हैं, मैं अपना परिचय दे दूँ आपको। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष करंजा कला और उसी बूथ पर मैं भी वोट देता हूँ जिस पर माननीय गिरीश यादव जी देते हैं। विषय ये है कि हम लोग बहुत आघात हैं, ब्राह्मण समाज पूरा मेरा आघात है और इस विषय को लेकर के आघात है कि 5 साल में सिर्फ स्वजातियों का काम किया गिरीश चंद्र यादव जी, और ये लगातार 5 साल विधायक रहे, मंत्री रहे। हम लोग बार बार इनसे अपनी बात कहते रहे। ब्राह्मण समाज के लिए मैं भी उस मंडल का था, इसलिए मैं दबाव बनता था बिरादरी की। सारे ब्राह्मण हमसे इस बात को कहते थे कि गिरीश यादव जी ये काम नहीं कर रहे, ये काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने स्वजातियों का काम किए। और मेरा तो अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर विधानसभा, इस विधानसभा में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है तो मैं, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और उस माँ में, माँ के कोख में ऐसे लोग, नालायक लोग पैदा हो गए। और मैं कहता हूँ कि ये मलनी विधानसभा में इनको चुनाव भेज दिया जाए, इनके स्वजातियों का वोट ज्यादा है, वहां भी कमल खिल जाएगा और इस सदर में भी खिल जाएगा। सदर में भी त्यादर बैकवर्ड मौर्या लड़ा दिया जाए कैंडिडेट, तो मैं गारंटी के साथ करता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस सदर में भी कमल खिला लेगी और इनके स्वजातीय वोट ज्यादा मलनी में है, इसलिए इनको मलनी से लड़ाया जाए। और मैं प्रदेश अध्यक्ष से और अपने सुनील बंसल जी से, जो संगठन महामंत्री हैं, हम लोगों के नेता हैं और ये पूर्वांचल के नेता हो गए, ये पूर्वांचल के नेता हैं और इस पूर्वांचल के नेता और हम लोगों के भी नेता हैं, ये पूर्वांचल के नेता हैं और इस पूर्वांचल के नेता और हम लोगों के भी नेता हैं, तो इनसे बड़ा नेता इस जनपद में कोई हुआ नहीं। गिरीश चंद्र यादव मंत्री हैं, ना से बड़े नेता हैं और हम लोग कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता हैं। हम लोगों की बात का अनदेखी की जाती है और जब से लगातार ये विधायक हैं तब से कभी भी किसी मीटिंग में ना बुलाया जाता है, न कहीं कोई मतलब रखा जाता है, न कहीं मैं आघात हूँ इस भारतीय जनता पार्टी और गिरीश चंद्र यादव से कि अभी जिला पंचायत चुनाव हुआ, क्षेत्र पंचायत चुनाव हुआ और ये भाषण करते थे, ये महोदय भाषण करते थे, कुनबे की बात करते थे और आज खुदे कुनबा खड़ा कर लिया। एक ही परिवार के 2 लोगों को बीडीसी ब्लैक प्रमुख बना दिया, जिला पंचायत सदस्य बना दिया। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ आप सब के माध्यम से कि ये अकूत संपत्ति आई कहाँ से? क्षेत्र पंचायत का चुनाव में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया सरी क्षेत्र पंचायतों को दिए, ये पैसा आया कहाँ से? इसकी जाँच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूँ आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि इनके पैसे की जांच होनी चाहिए और अकूत धन ये आया कहाँ से और इसका खुलासा होना चाहिए। और मैं पड़ोसी हूँ, मैं ठीक उनके पड़ोसी, मैं नई का भूत हूँ उनके ठीक पड़ोसी का, मैं सब जानता हूँ। और ये बहुत अपेक्षा किए ब्राह्मण समाज का, इसलिए पूरा मेरा ब्राह्मण समाज आघात है, बहुत घायल पड़ा है कि वो विकल्प ढूंढ रहा है कि अब किसको वोट दें। गिरीश यादव को वोट हमारा समाज देने के लिए तैयार नहीं है, हमारा समाज किसी अदर बैकवर्ड का इंतजार कर रहा है। अगर इनका टिकट नहीं बदला गया तो परिणाम कुछ दूसरा होगा। आप सबके माध्यम से इस बात को मैं ऊपर अपने नेतृत्व को भी बताना चाहता हूं। अभी अपने गुप्ता जी जांच करा रहे हैं 300 करोड़ का, आप सब जानते होंगे सीवर फंड का, इनका कहते हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक, इनका मतलब नहीं हो सकता, लेकिन इनके ठेकेदार हो, इनके विभाग का मामला है, ये कहते हैं हमसे कोई मतलब नहीं, उसकी भी जांच माननीय विद्यासागर सोनकर जी करा रहे हैं और वो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ये किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी सम्मान नहीं करते, खास करके ब्राह्मण समाज का तो बिल्कुल सम्मान।